भारत और नेपाल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच आज सुबह बिहार से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया। इस फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर डीजी एसएसबी कुमार राजेश चंद्र ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच जो भी हुआ उसकी जाँच की जा रही है। लागन यादव, जैसे मैंने बताया, उम्र लगभग 45 वर्ष, तो इसमें एसपी सरलाही और एसपी सीतामढ़ी और वहां के संबंधित जिला पदाधिकारी, उधर सीडीओ कहते हैं, वो आपस में संपर्क में हैं। क्या केस हो रहा है ये सब तो अनुसंधान का विषय है। जैसे हमने कहा कि दोनों पक्ष का अपना अपना वर्सन है, ये अनुसंधान का विषय है, इस पर वो लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी विवाद के बाद नेपाल पुलिस की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई जिसमें एक की मौत और कुछ लोग घायल हुए हैं। डंडा लगा दिया तो इधर से बोला कि सड़क मार जाओ, बोला इधर से आदमी, इसके बाद उसका गोली चलाने लगा। कहाँ घटना घटा ये? वो दरबार से उत्तर है, बॉर्डर का। कहाँ बॉर्डर कहाँ है? सोनबरसा, जानकी नगर और हनुमान नगर है ना, सोनबरसा में नहीं, आगे सहोरबा लगा। तो वहाँ क्या बॉर्डर है? थाना के अंतर्गत बॉर्डर पड़ता है। तो विवाद हुआ तो क्या हुआ? विवाद हुए, वही मतलब विवाद हुआ। हम तो घर पर थे, सुनने में आया कि कोई पत्ते बोलने से विवाद हो गया तो मार बैठा। कौन मार बैठा? पुलिस नेपाल वाला। गोली चलाने लगा? हाँ, तो बाद में बोला कि सब बोला कि पकड़ो जाओ, मारता है तब गोली चलाने। कितना फायरिंग किया वो लोग? 17 फायरिंग हुआ। तो कितने लोग घायल हुए? किसी की मौत भी हुई है? हाँ, मौत हो गया है वो। इस घटना के बाद दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए बिहार के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है। आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस, जो नेपाल का इलाका है, उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसपीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है। इसमें नेपाल के एसपीएफ के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति जितेश राय की मृत्यु हुई है, दो अन्य घायल हैं, घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और इसमें वहाँ पे एसएसबी और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जाँच कर रहे हैं पूरी विस्तृत रूप से। पुलिस के बारे में अभी क्या हालात है? एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उधर खींच लिया गया है नेपाली पुलिस। एक व्यक्ति के द्वारा को उधर से डिटेन करने की भी बात आ रही है, इस संबंध में जो भी लीगल एक्शन है। अभी क्या हालात है सर? अभी सामान्य है वहाँ पे।